आसिम आसिम एकदम फेक है, सिर्फ लड़ता है, मतलब इरिटेट करता है, सिर्फ लड़ता है। और उसे ये मालूम है कि मैं लड़ूंगा तो शो के अंदर दिखूंगा, और कुछ भी नहीं करता है वो। और शुक्ला ने, मतलब शुक्ला की वजह से इतना आगे भी आ चुका है वो, नहीं तो आ नहीं पाता। तो स्टार्टिंग से था वो, अभी तक है शुक्ला जो फर्स्ट वीक में था वो लास्ट वीक तक भी है वो, उसका रियल है ओपनिंग। आपका फेवरेट है, उसकी कोई वजह? उसमें जो ओरिजिनलिटी है वो दिखाता है वो, और वो रियल है, सच्चा है। और उसके अंदर बहुत ही क्वालिटी है, मल्टीपल क्वालिटी है उसके अंदर। अग्रेशन भी है, और मतलब फ्लड भी करता है, कॉमेडी भी करता है, सभी कुछ है उसके अंदर, एक्टर है पूरा वो। आसिम क्यों नहीं? नहीं, मुझे आसिम नहीं पसंद है एक्चुअली। वो ना बात का बहुत इश्यू ज़्यादा वो करता है, उसको मतलब नोटिस चाहिए, हर कोई इसको नोटिस करे ज़्यादा, तो इस वजह। लेकिन सिद्धार्थ वैसा नहीं है, सिद्धार्थ बहुत अच्छा है और गेम भी बहुत एकदम क्लियर खेलता है वो। कोई इसका मतलब ये नहीं है, वो अपने में ही डिपेंड देता है, ऐसा नहीं कि कोई उसको किसी का सपोर्ट चाहिए या कुछ, वो अपने में ही स्ट्रांग है, तो मुझे इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है। आसिम आपका फेवरेट क्यों नहीं? बस ऐसे ही है, अच्छा लगता है। कोई रीजन तो होगा ना यार, बस यू हमारा अच्छा लगता है, तो फंसाएगा वो, पर्टिकुलर रीजन होगा। अच्छा इनको ए भाई तू ले ले यार, ले ले। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? आसिम रियाज। सिद्धार्थ आपका फेवरेट क्यों नहीं? क्योंकि वो मतलब उसकी लैंग्वेज सही नहीं है, वो मतलब जो करता है मतलब ठीक नहीं कर रहा है वो, मतलब जबरदस्ती कर रहा है। आसिम आपका फेवरेट है, उसका कोई रीजन तो? हाँ, क्योंकि उसका सबके साथ नेचर अच्छा है इसीलिए। और बंदा किसी का मतलब वो नहीं है कि भाई तू मेरे को सपोर्ट कर रहा, बिल्कुल सही है। हाँ, इसीलिए। आप क्या बोलोगे आसिम? वही बोल रहा हूँ, सबसे पहले उसकी लैंग्वेज ही सही है, सबके साथ अच्छा ही रहता है वो। सिद्धार्थ आपका फेवरेट क्यों नहीं? वो सबके साथ झगड़ा ही करा करता है वो, जिस किसी के साथ झगड़ा कराता है। लोगों का कहना तो ये है कि आसिम जबरदस्ती सिद्धार्थ के साथ में झगड़ा नहीं करता। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हमने तो देखा नहीं है, देखा नहीं है, क्योंकि वो सिद्धार्थ होता है ना, तो मतलब वो क्या, उसको मतलब वो उसको गुस्से करता है कि भाई वो उसके साथ झगड़े कुछ भी करके, वो जैसे क्या भी उंगली करता है। हाँ, ऐसा है। बैठ भी आसिम, आसिम आसिम बहुत झगड़ा करता है, आई थिंक आसिम आसिम झगड़ा खाली वोट्स के लिए करता है झगड़ा खाली। आप क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से आसिम मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो हमेशा सही काम करता है, उसको मतलब सब गेम के खेलने के चक्कर में उसको सब फंसा देते हैं। मायरा सिर्फ गेम खेल रही है और उसका बिहेवियर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ भी गेम ही खेल रहा है और उसका बिहेवियर भी बहुत रूड होता है बाकी लोगों के साथ, और वो सब अलायंस ही बनाते रहते हैं। नहीं, द थिंग इज दैट कि आसिम दूसरों के झगड़े में भी पड़ता है, सिद्धार्थ शुक्ला का अपने का झगड़ा रहता है तो ही वो ऐसे लड़ता है, और बाकी सबको सपोर्ट करने का वो अलग बात है, बट आसिम दूसरों के झगड़ों में पड़ जाता है। हाँ, यस्टरडे हुआ, आसिम वो आरती का सपोर्ट लेने के लिए सिद्धार्थ के साथ झगड़ा किया था। आई थिंक दैट वॉज इररिलेवेंट। अभी उसके सामने अगर गलत हो रहा रहेगा तो वो अपना ओपिनियन रख तो सकता है ना, अभी हम भी इधर ओपिनियन ही रख रहे हैं ना अपना, तो वो भी अपना ओपिनियन रखेगा तो उसमें गलत क्या है? बट मेन इज आई थिंक लाइक सिद्धार्थ शुक्ला विल विन, लाइक ऑफ कोर्स सिद्धार्थ शुक्ला, फॉर मी इट्स सिद्धार्थ, फॉर मी इट्स आसिम। थैंक यू। आसिम के बारे में क्या? अपना अपना करता है बहुत, फुकट में उंगली करता है, हाँ, तो शहनाज बहुत एंटरटेनिंग है, तो मैं ये बोल सकती हूँ उसके उसके लिए, हाँ, काफ़ी एंटरटेनमेंट। तो मैम आपसे आप सिद्धार्थ को फॉलो करती? सिद्धार्थ को मैं फॉलो नहीं करती, मैं आसिम को फॉलो करती हूँ। क्यों नहीं करते हो? मुझे उसका गुस्सा पसंद नहीं है, वो बहुत एग्रेसिव है और पूरा घर सर पे उठा लेता है, बट उसका गुस्सा ही मुझे पसंद नहीं है। गलती दोनों की भी है, दोनों भी झगड़ा करते हैं, बट ज़्यादा अग्रेसिव और गुस्सा दिखाता जो है वो सिद्धार्थ है। इसके बारे में आप क्या बोलो? नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, पर सिद्धार्थ अच्छा खेल रहा है तो मेरे लिए तो उसका अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, बट कभी कभी हो जाता है वो आउट ऑफ कंट्रोल, बट आसिम उतना करता भी है, उसको उकसाता भी है, तो वो बेचारा करे भी क्या, तो कभी कभी हो जाता है।